आपने जब अपने स्कूल में अध्ययन किया होगा तो क्लास में आपने क्लास के जो आपके साथी या स्टूडेंट हैं उनका बिहेवियर पैटर्न देखा होगा, उनका जो आचरण है, आचरण या व्यवहार है उनका देखा होगा, नोट किया होगा कि उसकी जितने भी छात्र हैं उन सबका आचरण लगभग लगभग अलग अलग होता है। जिनके आचरण लगभग मिल जाते हैं उनके ग्रुप बन जाते हैं और हर एक ग्रुप का आचरण अलग अलग होता है। ये जो गाथा है, गाथा नंबर 19 और 20 यमकवक्की, ये इसी से संबंधित है। भगवान बुद्ध जब पढ़ाते थे, क्लास लेते थे और क्लास में सारे भिक्षु और स्टूडेंट आते थे तो उन सबका बिहेवियर पैटर्न और उन सबका आचरण या व्यवहार अलग अलग होता था, क्योंकि उन्हें पकने में देर लगती थी मगर फिर भी व्यवहार उनका अलग अलग होता था। कुछ भिक्षु ऐसे होते थे जो भगवान बुद्ध ने पढ़ाया और उसको ऐसा का ऐसा ही एक एक अक्षर बिल्कुल याद कर लेते थे। कुछ ऐसे होते थे जिनको अक्षर याद नहीं होते थे मगर वो उसका भाव पूरा समझ लेते थे। कुछ ऐसे होते थे कि जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे वो बैठे वैसे ही वो करते थे और वैसे ही वो उनको बिल्कुल कॉपी करते थे। कुछ ऐसे होते थे जिनको ज़्यादा बात समझ में नहीं आती थी, एक दो काम की बात समझ में आती थी और वो उसी पे चलते थे। कुछ ऐसे होते थे जिनको बार 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 भी बातें समझ में नहीं आती थी, एक आध बात मुश्किल से पल्ले पड़ी तो वो उसी पे लग जाते थे। ऐसा पूरी दुनिया के सारे क्लासरूम में, सारे जितने भी क्लासें होती हैं उस समय बिहेवियर पैटर्न किसी भी एज के स्टूडेंट का होता है, चाहे किसी भी एज का स्टूडेंट हो या किसी भी तरह की क्लास हो, ये एक यूनिवर्सल बिहेवियर पैटर्न होता है। वहाँ भी था, क्योंकि भगवान बुद्ध कोई अनोखे तो थे नहीं, वो तो खुद कहते थे कि भाई मैं तो एक मनुष्य हूँ। तो हुआ ये कि जो स्टूडेंट ऐसे थे, जो भिक्खु ऐसे थे कि जिनको भगवान बुद्ध की बातें एक ही बार में याद हो जाती थी, तो वो सेखी बहुत बगाते थे और वो अपनी वित्ता और अपने शब्दों का बाण और अपने शब्दों के जाल में जो और भिक्खु थे उनके सामने ऐसे फेंकते थे कि उनको लगता था कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है, और जो बेचारे भिक्खु थे वो चुप रहते थे, वो कुछ नहीं कहते थे। तो सेखी बघारना और आचरण में यानी प्रैक्टिस में जो बात बताई है उसे वो करते नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे जो कहानी थी, ये कई बार जब भगवान बुद्ध पढ़ाते थे उस समय भी ये बात आती थी। जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट खड़ा हो जाता है जो बहुत ज़्यादा अक्षरों के साथ जानता है या कॉपी पेस्ट करना अच्छा जानता है, तो वो खड़ा होकर बोलता है, क्लास में बताता है, पूरा पूरा रट्टा मार देता है जैसा का ऐसा का है, और कोई समझदार स्टूडेंट होता है वो उसका सिर्फ सार बताता है और वो चुप हो जाता है। और कई ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं मगर वो सीख नहीं बिगाड़ते, वो चुप रहते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो कम जानते हैं वो शांत रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम जानते हैं वो पूछ भी लेते हैं। हर तरह का स्टूडेंट होता है। तो उनकी क्लास के अंदर भी जो सीखी बगाड़ने वाले, बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने वाले, अपनी विद्वता बताने वाले, अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले जो भिक्खु हुआ करते थे, वो बाकी भिक्खुओं पे हावी रहा करते थे और उनको ऐसा महसूस कराते थे कि भाई आप कुछ नहीं जानते, हम सारा जानते हैं। उस समय भगवान बुद्ध चूंकि वो तो पारगामी थे और सबकी मनोदशा जानते थे, उस मनोदशा को जानते हुए उन्होंने यहाँ दो गाथाएं बताई। क्योंकि कुछ भिक्खु ऐसे भी थे जो बहुत अल्प ज्ञानी थे या शांत रहते थे, और वो उन भिक्खुओं से ज़्यादा साधना में प्रगति करके और उस लक्ष्य को पा लेते थे जो लक्ष्य के लिए वो मेहनत करते थे। यानी कि जो समन फल है, सामान्य फल है, जो साधु का फल है, जो अर्हत होने का फल है, वो उसको पा लेते थे, या सकदागामी या अनागामी, यानी जो भी फल आने वाले हैं वो पा लेते थे। तब भगवान ने ये दो गाथाएं कही कि बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला या बहुत ज़्यादा पूरे पूरे जो मैं बताता हूँ उसको रट्टा मारने वाला या उसको समझने वाला या उसको याद करने वाला कोई भिक्खु हो, कोई व्यक्ति हो, और वो उसकी प्रैक्टिस ना करे, उसके आचरण पे ना उतरे, मेहनत ना करे, तो वो ऐसा ही होता है जैसे कि कोई आदमी किसी की गायों को अगर चराने ले जाता है और शाम को ला के गिनती करके उसको दे देता है, तो उसके पास सिर्फ गिनती रहती है, गाय नहीं रहती, ना गाय का दूध रहता है। और कोई व्यक्ति अगर एक भी बात को समझ ले और वो उस पर प्रैक्टिस करे और वो उस फल को प्राप्त कर ले जिस फल के लिए मेहनत करता है, यानी वो समन फल प्राप्त कर ले, साधु बन जाए, तो वो ठीक ऐसा ही है जैसे कि कोई गाय का जो गाला होता है वो अपनी गाय का खुद का मालिक होता है। ये दो गाथाएं उन्होंने कही, ये गाथा नंबर 19-20 है, यमकवक्की आखिरी गाथा है। गाथा इस प्रकार है, बहुम्पी चे सहितं भासमानो नै तैक करो होती नरो पमत्तो,
गोपोव गावो गणयंग परेसंग ने भागवा समयस होती। इसमें जो पहली लाइन है बहुम्पी चे सहितंग भास मातो भास मानो, इसका मतलब है बहुम्पी चे सहितंग, चे माने यदि होता है, बहुम्पी माने अगर कोई बहुत भी, और सहितंग माने जो संहिता होती है, जैसे आचार संहिता बोलते हैं, यानी कि वो पूरा पूरा जो बताया गया है उसको सहितंग बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, जैसे आचार संहिता लगती है ना, कोड ऑफ कंडक्ट। भास मानो मतलब है भाषण देता है, बोलता है, यानी कि कोई अगर संहिता पढ़ लेता है या उसको जान लेता है, क्योंकि जो वो बोलते हैं उसको समझ लेता है और बहुत ज़्यादा बोलता है उसके बारे में। ने तय करो होती नरो पमक्तो, ने तय करो यानी नहीं, तय माने उसे, करो माने करता है, यानी कि उसको करता नहीं है। होती नरो पमत्तो, जो नर है, जो मनुष्य है, वो पमत्त में पड़ा रह जाता है और वो प्रैक्टिस नहीं करता है। गोपोव गावो गड़ंग परिसंग, ये ठीक ऐसे है जैसे गोपोव जो होता है, गोपो माने जो गायों को चराता है, गावो माने गाय, गड़ंग माने गिनता है, परिसंग माने दूसरे की, जैसे दूसरे की कोई गाय चराने वाला गाय को गिनता है। ने भागवा सामयस होती, भागवा का मतलब है उसको भाग नहीं मिलता, ने माने नहीं, भागवा माने भाग नहीं मिलता, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता। सामयस होती का मतलब है जो समन का भाव है, जो साधु का जो उसे उपाधि मिलने वाली है, जो मेहनत का फल मिलने वाला है, वो उसको नहीं मिलता। ये गाथा नंबर 19 है। गाथा नंबर 20 इस प्रकार, अपम्पी चे सहितंग भास मानो, धमस्स होती अनुधम्मचारी, रागंच दोसंच पहाय मोहंग, समप जानो सुविमुत्त चित्तो, अन उपादियानो इद वा हुरंग वा से भागवा सामयस्स होती। इसमें जो पहली लाइन है अपम्पी चे सहितंग भास मानो, अप माने होता है थोड़ा और अम्पी माने होता है भी, चे माने यदि, सहितंग भास मानो, सहितंग माने संहिता, भास मानो माने अगर पढ़ता है, भाषण देता है, यानी अगर कोई थोड़ा भी अगर संहिता को पढ़ लेता है और बोलता है, भास मानो है। धम्मस्य होती अनुधम्मचारी, और जो धम्म का होता है अनुधम्मचारी, यानी कि जो धम्म के अनुसार आचरण करता है। रागंच दोसंच पहाय मोहंग, पहाय माने होना है छोड़ना, यानी राग और दोष और मोह को जो छोड़ देता है। समप जानो सुविमुत्त चित्तो, जो विमुत्त यानी सु माने बहुत अच्छा, वी माने विमुत्त होना, और चित्तों को जो चित्तों से बहुत अच्छी तरह से विकारों से मुक्त हो जाता है। संप जानो माने जो सम्यक प्रकार से जानकारी रखता है विमुक्त होने की अपने चित्तों के मैलों से। अन उपादियानो इद वा हुरंग वा, अन उपादियानो का मतलब है कि उत्पाद नहीं करता है, अन उपादियानो का मतलब है पैदा नहीं करता है, क्या इध वा हुरंग वा, यानी इधर भी और उधर भी, मन के अंदर भी, शरीर के अंदर भी, कई बार इसको बोला जाता है कि इस जन्म में भी और उस जन्म में भी, यानी कि वो पैदा नहीं करता इस जन्म में या उस जन्म में, या इसको कह सकते हैं अगर कोई दूसरे जन्म की बात नहीं मानता है, कि मन के अंदर और शरीर के अंदर वो कोई भी बुरी चीज़ पैदा नहीं होने देता है। से भागवा सामयस्य होती, वह भाग प्राप्त करता है, से भागवा का मतलब है वह भाग प्राप्त करता है, किसका, समण फल का, यानी कि वो सोतापन भी हो सकता है, अर्हत भी हो सकता है, अनागामी हो सकता है, सकदागामी हो सकता है, और बुद्ध भी हो सकता है, उसको प्राप्त होता है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर थोड़ा भी कोई जानता है और उसकी अगर वो प्रैक्टिस करता है, धम्म के अनुसार करता है, राग दोष और मोह से मुक्त रहता है, तो वो इसमें या उसमें, यानी कि मन के अंदर या शरीर के अंदर, या कह सकते हैं इस जन्म में या अगले जन्म में, समन्वय फल का अधिकारी होगा, ऐसा उन्होंने बताया। धन्यवाद।